तो चलिए भाई क्या सब लोग तैयार है हाँ।, हाँ तो कौन हूँ मैं <laughs> <laughs> हाँ तो हाँ तो मैं यहाँ पर श्लोक तो बोल नहीं है क्योंकि मुझे श्लोक मिल तो नहीं पाया बट मैं अपनी मैं अपने जीवन के जो मैं अभी तक सीख पाया हूँ उसका एक सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान बोल सकते हैं वो बोलने की कोशिश करूँगा तो करीब पंद्रह साल पहले जब मैं तीन साल का था <laughs> तो करीब तीन साल पहले आ, तीन साल <laughs> हाँ तो क्या सब लोगों का एक फिक्स्ड गोल है गोल कुछ तो होगा बड़े हो क्या बनना क्या बनना <laughs> हाँ तो जब मैं तीन साल का था ना मैं बहुत बड़ी सोच रखता था ऐसे बोला था नीचे हाँ तो जब मैं तीन साल का था तब मैं तो सिर्फ सोचता ही रहता था एंड मैं क्या सोचता था इस मैं ये सोचता था कि हाउ टू अचीव वर्ल्ड पीस मतलब कि ऐसा नहीं कि पूरा इंग्लिश में हाउ टू अचीव वर्ल्ड पीस इन देंस कि सब लोग अच्छे से कैसे रहे क्योंकि जब मैं छोटा था ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब मूवीज वूवीज़ देखता था उसमें सिर्फ लड़ाई होती थी तो मतलब कैसे हम सब लोग एक दूसरे के एक दूसरे के डिफरेंसेस को बाजू में रख के हारमनी में कैसे रहे तो मैं एक सोल्यूशन को आया था जब मैं तीन साल का था दैट वॉज कि अगर सब लोग एक जैसे ही सोच रखे तो हो जाएगा <laughs> अगर सब लोग एक जैसे ही सोच रखे अगर दुनिया में अगर हर एक इंसान सपोज दुनिया में हर एक इंसान ओजस बन गया सपोज <laughs> <laughs> तो वर्ल्ड पीस अचीव हो गया एंड मैं इसी कंक्लूजन पे था अबाउट नेक्स्ट पाँच साल के लिए बट मुझे ये थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ कि हम जिस सरकम में रहते हैं वो डिटरमाइन करता है कि हम आगे कैसे बढ़ते हैं अभी अगर मुझे एग्जाम्पल देना है तो हाँ सपोज अर्जुना और दुर्योधना का एक एग्जाम्पल ले लो आ, अर्जुना कब पैदा हुआ था किसी को पता है मतलब कहाँ पर पैदा हुआ था जंगल में एंड दुर्योधना कहाँ पर पैदा हुआ था हाँ इत मतलब कि इवन दो दोनों ही हाईएस्ट ऑर्डर के प्रिंस थे उन लोगों का जन्म इतने अलग अलग जगह में हुआ था एंड उन लोगों का जो भी पर्सनालिटी माइंडसेट है वो इतना अलग अलग ये हुआ था तो इसी लॉजिक से अगर एक ओजेस यहाँ पर है सपोज़ बेलगाव में एंड दूसरा ओजस कहीं पर दिल्ली में हाँ तो फिर उसके माइंडसेट में कितना ज़्यादा फर्क आ जाएगा तो फिर मैं फिर से सोचने लगा कि कैसे अचीव करे तो अभी तक मेरा इस चीज से हटा नहीं था दिमाग की वर्ल्ड पीस अचीव करना है तो सबको एक ही इंसान से रिप्लेस करना है एंड वो इंसान वर्ल्ड पीस ला देगा मैं सिर्फ यही सोच रहा था तो वाज लाइक हाँ चलो मैं नहीं हूं तो सपोज कोई और है सपोज नीव है <laughs> सपोज <सबोस। laughs> तो अभी अगर मैं दुनिया के हर एक इंसान को नीव से रिप्लेस कर दूं तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा नहीं। क्यों सेम प्रॉब्लम ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको अगर तुम दुनिया के हर एक इंसान से रिप्लेस कर दो तो उसका डेवलपमेंट हर एक एनवायरमेंट में सेम ही रहेगा ऐसा हो ही नहीं सकता तो मैं यही सोचते रहता था दिन भर क्योंकि और कुछ काम था नहीं <laughs> तो दिन भर मैं सिर्फ यही सोचते रहता था कि कैसे कैसे मैं वर्ल्ड पीस को सॉल्व करूं बट मुझे थोड़े साल बाद रियलाइज हुआ कि वर्ल्ड पीस लाने के लिए पहले मुझे अंदर में ही पीस लाना पड़ेगा मतलब कि मुझे मेरे मन को ही काबू करना पड़ेगा जो कि मैं अभी तक सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया हूँ बट ये मैं गारंटी कर सकता हूँ कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने मन को काबू करूँगा एंड में वर्ल्ड पीस को मतलब कि मैं तो ऐसा लगता है मैं कर पाऊँ <laughs> हाँ <laughs> हा? तो दैट इज लेफ्ट ऑज अ क्वेश्चन